नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के दावे पर भारत का जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, आपसी आदान प्रदान के आधार पर भारत आई थी जीआईटी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के सरकार के फैसले पर शिवसेना का हमला। मुखपत्र सामना में लिखा, सोने जैसे राज्य में आज सोने चांदी वाले अपनी दुकान बंद करके बैठे हैं, कब आएंगे अच्छे दिन। 9 साल बाद गुजरात पहुंचे पूर्व डीजी बंजारा। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ में हुई थी गिरफ्तारी। अप्रैल 2007 में हुआ था सोहराबुद्दीन केस। तंजील अहमद हत्याकांड में 2 अधिकारी सस्पेंड। मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। मुनीर की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ की जा रही है छापेमारी। असम में पीएम मोदी की 3 तूफानी रैलियां। आज रैली से पहले कामाख्या मंदिर जाकर पीएम ने किए दर्शन। असम में 11 अप्रैल को होना है चुनाव। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। आज से शुरू होगा हिंदू कैलेंडर का नया साल। आज होगा आईपीएल का रंगारंग आगाज। कैटरीना कैफ हनी सिंह करेंगे परफॉर्म। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।